ने तो ओबीसी समाज से आने वाले नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। इन्होंने किसी ओबीसी को आज तक प्रधानमंत्री बनाया क्या? देवगौड़ा बने प्रधानमंत्री तो एक साल के भीतर ही सरकार को गिरा दिया। बीके हांडी के एक नेता थे कांग्रेस के, जो संसद की ओबीसी वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने 3 बार रिपोर्ट दी अपनी कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, 2012 में, 2013 में, 2014 में। लेकिन कांग्रेसियों ने कभी भी इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। और जब पहली बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। मंडल कमीशन का इन लोगों ने विरोध किया। राजीव गांधी ने संसद के फ्लोर पर मंडल कमीशन का क्यों विरोध किया था? और मंडल कमीशन किसने बनाया? और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 10 साल तक ठंडे बस्ते में किसने डाल के रखा? काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट 55 में आई, उसको क्यों नहीं लागू करने का काम किया? तो आपको मौका लगा तो आपने तो कुछ नहीं किया। और आप जातीय गणना की बात करें तो आपकी सरकार है छत्तीसगढ़ में, क्यों नहीं कराया जातीय गणना आज तक? राजस्थान में आपकी सरकार है, हम तो बिहार में जातीय गणना हो रही है। और बीजेपी जिस सरकार में शामिल थी उसने जातीय गणना कराने का निर्णय लिया। कर्नाटक में जातीय गणना हो चुकी, तेलंगाना में जातीय गणना हो चुकी है। तो ये तो राज्यों पर निर्भर करता है कि कौन कराना चाहता नहीं कराना चाहता है, उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन ये तो राज्यों को तय करना है। कि यूपी में अगर आप देखो तो जो हुआ है, अतीक जी के का जनाजा नहीं है, यूपी के कानून का जनाजा निकला, इस तरीके की स्टेटमेंट उनकी आ रही है। अतीक अहमद की जो हुआ है, तेजस्वी यादव के राज में 30 दलित पिछड़े वर्ग के लोग जहरीली शराब पीकर मर गए, उन पर उन्होंने आंसू नहीं बहाया। और एक गैंग वार में गैंगस्टर मारा गया जिस पर 100 से ज़्यादा हत्या अपहरण के मुकदमे थे, उन पर ये लोग आंसू बहा रहे हैं। तो ये तो एक तुष्टिकरण की राजनीति के तहत ये आंसू बहा रहे हैं। तो यूपी के लोग तो खुश है कि वो मारा गया, भले ही वो गैंग वार में मारा गया, लेकिन ये आंसू बहा रहे हैं। तो आप कम से कम अपने राज्य में जो दलित मारे गए और 300 से ज़्यादा दलित पिछड़े पिछले एक साल में जहरीली शराब पीकर मर गए, उनके परिवार को मुआवजा तो दिलवा दीजिए, उन पर तो आंसू बहा दीजिए कम से कम। मोतिहारी के अंदर जो लेके नीतीश कुमार का कहना है कि हम फैमिलीज़ को 4 लाख रुपए का फंड देंगे, पर फैमिलीज़ जो है उन्हें हमें रिटर्न में देना होगा कि वो फेवर में है जो शराबबंदी है उसको लेके। इसमें क्या, ये निर्णय अगर किया तो ये स्वागत योग्य निर्णय है। हम तो पिछले एक साल से यही कह रहे थे। तो नीतीश जी कहते थे कि हम नहीं देंगे। देखिए 2016 में पहली घटना घटी थी गोपालगंज में, इसमें 4 लाख का मुआवजा दिया गया था। उसके बाद जितने लोग मरे किसी को मुआवजा नहीं दिया गया। तो अगर आपने ये घोषणा की है तो हम इसका स्वागत करते हैं। और हम चाहेंगे कि आज तक जहरीली शराब पीने से जितने परिवारों की मौत हुई है उन सभी परिवारों को 4 लाख रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए। और ये तो मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं कि एक साल में 16 घटना घट गई, 300 लोग मर गए। तो अगर जहरीली शराब अगर पहुंची तो पहुंची कैसे, जब शराबबंदी है तो शराब आई कैसे? तो इसके तो बिहार सरकार जिम्मेवार है ना, मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं इसके लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।